आज आप देखते हैं कि तमाम मुस्लिम लीडरान जितने भी पार्टियों के थे खामोश हैं, किसी भी पार्टी का मुस्लिम लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? चूंकि उनके पास अपने किले नहीं है, उनके पास अपना सियासी घर नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकते वो लोग। आम जनता है, उनकी एजुकेशन को आप कैसे एश्योर करोगे उत्तराखंड में? जब तक सियासी कयादत हमारी मजबूत नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। यहाँ पे MIM जो पार्टी है, जिसके जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वही असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं और जिनको आपने लोकसभा में सरकार की मुखालफत करते हुए देखा होगा, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो और तमाम वो मुद्दे हो जिनकी मुखालफत वो करते हैं सरकार के अगेंस्ट, उसी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर नैयर काजमी साहब और आरजू अंसारी जी जो कि महिला विंग की अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, आगे पार्टी के बारे में भी हम जानेंगे, सबसे पहला सवाल, डॉक्टर नैयर काजमी जी हैं कौन, कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से क्या किया है सर? मैं बेसिकली यहीं हरिद्वार उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। मैंने रुड़की में मेरी सारी स्कूलिंग, सारी ग्रेजुएशन सब यहीं से किया है, मेडिकल बाहर से किया है। लेकिन उसके बाद मैं लगातार बसपा में, चूँकि यहाँ पर कोई पार्टी मजलिस यहाँ नहीं थी तो हम लोग पहले बसपा में रहे, उसके बाद जो है कांग्रेस में भी रहे, और उसके बाद जो है जब बैरिस्टर साहब से मुलाकात हो गई और बैरिस्टर साहब का हुक्म हुआ तो फिर यहाँ मजलिस का क़याम हुआ और मजलिस को हम लोग यहाँ 1 जनवरी 2020 में लेकर आए। मेरा सवाल पार्टी को लेकर है, जिस तरीके से आपने कहा कि 70 साल कांग्रेस को हो गए कि मुस्लिमों की जो स्थिति है, लेकिन आपकी पार्टी भी तो मुस्लिम सेंट्रिक है। अगर आप उत्तराखंड में पार्टी बना रहे हैं तो यहाँ पे जो मुस्लिमों की आबादी है 13.97 है, अगर इस हिसाब से देखें, अगर आप पार्टी सब सीटों पर इलेक्शन लड़ती है, मुस्लिम पर ही इलेक्शन लड़ती है, तो जमानत जब्त हो जाएगी सर पार्टी की? अभी आपने सारी स्पीच मेरी सुनी होगी शायद, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुस्लिमों पर ही लड़ेगी। मैंने कहा है कि मुस्लिम मैंने पूछा मुस्लिम सेंट्रिक पार्टी। सेंट्रिक तो देखिए सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन जब मुस्लिम इकट्ठा हो जाएगा, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग इकट्ठे होंगे, संविधान को मानने वाले लोग इकट्ठे होंगे, दलित भी इकट्ठे होंगे, मजलूम भी इकट्ठे होंगे, कमज़ोर भी होंगे। मैंने हैदराबाद का एग्जांपल भी आपके सामने दिया कि वहाँ तमाम लोगों की लड़ाई लड़ी जाती है, वहाँ सिख भी आते हैं, वहाँ बुद्धिस्ट भी आते हैं, वहाँ ब्राह्मण भी आते हैं, वहाँ मुस्लिम भी आते हैं, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। यहाँ भी इसी तरह से होगा, यहाँ भी मजलिस सबको साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। 1927 में बनी हुई पार्टी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1907 में बनी हुई पार्टी, आज 2020 92 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मुसलमानों की जो स्थिति है, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, वो पिछड़ी हुई है। आपके सामने डॉक्टर लगा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता है उनकी एजुकेशन को आप कैसे एश्योर करोगे उत्तराखंड में? जब तक सियासी क़यादत हमारी मजबूत नहीं होगी, चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो कोई अमल में नहीं आया, उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं किया, कोई इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ। उसके बाद रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट तैयार कराई गई, उसमें भी हमारी हालत बता दी गई कि मुसलमानों की हालत क्या है, तब उसके बाद कोई चीज़ अमल में नहीं लाई। बैरिस्टर साहब बार बार उठाते रहे इस मुद्दे को सदन के अंदर कि आप लोग जो रिपोर्ट्स तैयार कराते हैं आप उससे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं सदन में और यहाँ देश के अंदर। लेकिन चूंकि नहीं हो सकता, जब तक हमारी सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी, हमारे मुद्दों की लड़ाई, हम जब तक कोई अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता तब तक दूसरा कोई उसकी लड़ाई नहीं लड़ता। हमने 70 साल तक दूसरों के लिए, दूसरों का इंतज़ार किया कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के नारे लगाएंगे, लोगों की दरिये बिछाएंगे, लोगों के साथ काम करेंगे और फिर हमारा काम होगा। लेकिन 70 साल के बाद रिजल्ट हम जहाँ खड़े हैं वो जीरो है। 70 साल आप कांग्रेस को कह रहे हैं, लेकिन 92 ईयर्स तो आपकी पार्टी को भी हो गए ना, सिर्फ 2 ही लोग लोकसभा आज तक पहुँचे। अभी जो करंट की स्थिति है, आपके 2 सांसद हैं सिर्फ, संख्या नहीं है, या फिर पोस्टर पर आप देख लीजिए असदुद्दीन ओवैसी जी की फोटो है, अकबरुद्दीन ओवैसी जी की फोटो है, लेकिन और आम जनता की फोटो कहाँ है? आम जनता का तो वही है, आपने भी वही किया फिर? जी नहीं, आप देखिए हैदराबाद एक मॉडल है, हमारी 92 साल पुरानी पार्टी है, और आप देखिएगा जाकर हैदराबाद को, आप जाकर देखिएगा वहाँ के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को, वहाँ जाके देखिए गरीब मजलूम अमीर के बीच। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, वहाँ पे तो हम जाके देख लेंगे, जो इंडिया की मुल्क की बात हो रही है, मुल्क में जो मुसलमान रह रहा है उसकी शिक्षा पे आप कैसे एश्योर करेंगे? हमेशा हमारी पार्टी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब से पार्लियामेंट बनी, हमेशा से मुसलमानों के मुद्दों को वहाँ उठाया, लेकिन हमारी तादाद कम थी, हम अभी तक एक ही स्टेट में थे, फिर हम आगे बढ़े, अब दूसरे स्टेट में हम पहुँच गए, महाराष्ट्र में हम पहुँच गए, उसके बाद उपचुनाव बिहार में हुआ, किशनगंज में, वहाँ हमारे एक MLA आ गए, और धीरे धीरे हमारे कदम अब UP और उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पार्टी जिस दिन राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी और जिस दिन हमारे विधायक यहाँ होंगे, तो आप हमारी, जिस तरह से बैरिस्टर साहब वहाँ पर चिल्लाते हैं सदन
के अंदर मुद्दे उठाते हैं, उसी तरह से देहरादून की असेंबली में भी मुद्दे उठाए। ये क्या एमआईएम का फेलियर नहीं है सर? 92 ईयर्स आपकी पार्टी को गए और संख्या का ना बढ़ पाना, ये क्या फेलियर नहीं मानते हैं? ये फेलियर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक घर, एक आदमी जिस घर में रहता है, पहले उसने वो घर मजबूत किया, उस घर को किला बनाया कि जो उसे मिटाया ना जा सके। आज आप देखते हैं कि तमाम मुस्लिम लीडरान जितने भी पार्टियों के थे खामोश हैं, किसी भी पार्टी का मुस्लिम लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? चूंकि उनके पास अपने किले नहीं हैं, उनके पास अपना सियासी घर नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकते वो लोग। बैरिस्टर साहब ने, उनके वालिद साहब ने अपना किला तैयार किया, आज वो किला इतना मजबूत तैयार हो गया कि आज उसमें सेंधमारी नहीं की जा सकती। अब हम दूसरी उसमें प्रदेश में निकले हैं, फिर उसके बाद तीसरे प्रदेश में हम पहुँच चुके हैं, हमने दस्तक बिहार में भी दे दी है और दस्तक हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी दे दी है। अब चुनाव आएगा तो आपको रिजल्ट भी नजर आएगा। बिहार में तो आप पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और जगह चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन लोकसभा में स्थिति आपकी कमजोर होना, अगर असदुद्दीन ओवैसी मुखालफत कर रहे हैं तो बाकी संख्या के क्या, एजुकेशन पे क्या, एजुकेशन कैसे स्ट्रांग होगा मुस्लिमों का, ये हमें बताइए। देखिए, जब तक हम लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, जब तक हम कुछ खुद मजबूत नहीं होंगे, दूसरा हमें कोई मजबूत करने के लिए आने वाला नहीं है। ये काम हमने 70 साल करके देख लिया। और सवाल जो आपने किया था कि बैरिस्टर साहब ने लोकसभा में उनकी सीटें क्यों नहीं बढ़ी, तो लोकसभा में अभी हमने 3 ही लोकसभा लड़ाई हैं, 3 में से हम 2 जीत गए और 1 हार गए हम किशनगंज बिहार की। इम्तियाज जलील जीत गए, वो लड़े थे, बैरिस्टर साहब वहाँ लड़े थे, वो जीत गए और वहाँ पर वो जीत गए। अभी हम पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। हैदराबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, बिहार के अंदर हमने पहले 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद अब जो है 50 सीटों का हमारा ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में क्या तैयारी सर? उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, या चुनाव तक ये सिर्फ रहेगा कि एमआईएम लड़ेगी, या फिर उसके आगे भी संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, ये हमारी जो पार्टी है, ये जब आ गई, चूंकि हम इसे कहते हैं ये हक है और ये सच है, और जब हक आता है और सच आता है तो झूठ को जाना पड़ता है। ये हो सकता है कि टाइम लगे झूठ को ख़त्म करने में, वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन हमारी पार्टी यहाँ आ गई, अब यहाँ रहेगी, कायम होगी और मजलिस का राज यहाँ ज़रूर रहेगा। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पे बात की, सेकुलरिज्म, उसको कैसे अश्योर करेगी पार्टी, क्योंकि जो पार्टी की मुस्लिम सेंट्रिक जो मानी जाती है, आपने यहाँ पर हिंदू की बात की, मुस्लिम की बात की, तरह तमाम अन्य पिछड़े वर्गों की बात की, उसको कैसे अश्योर करेगी, कैसे कॉन्फिडेंस दिलाएगी लोगों की आपके लिए हम काम करेंगे? उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ YouTube पर जाकर पार्लियामेंट की स्पीचेस देखने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट की कार्रवाई देखने की ज़रूरत है कि अगर इस देश के अंदर एक शख्स है ऐसा जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो संविधान की बात करता है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, जो गरीब की बात करता है, जो तालीम की बात करता है, सिर्फ एक ही शख्स है। पूरी पार्लियामेंट की पिछले 10 साल की आप उठा लीजिए स्पीचेस, कार्रवाई उठाइए संसद की, और आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर कोई इस लड़ाई को लड़ रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरा आखिरी सवाल सर, जो स्पीचेस की आपने बात करी, ट्रिपल तलाक पर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह सरकार की मुखालफत की, उस पर क्या कहना है आपका, क्योंकि कई बार उनको भी सामना करना पड़ा ट्रिपल तलाक पे, कि क्या सही है, शायद नीति हो सकती है, उस पर क्या कहना? ट्रिपल तलाक तो कहीं से कहीं तक हम उसे सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्रिमिनलाइज करना वो ठीक नहीं है। आप पूरी स्पीचेस देख लीजिए ओवैसी साहब की, उन्होंने एक एक चीज़ खोल कर रखी है। और हमारे जो मुस्लिम समाज में जो उलेमा होते हैं, हमारे अकाबरीन होते हैं, हमारे असली लीडर वही होते हैं, उनकी जो कुरान और हदीस से उन्होंने हमारे बैरिस्टर साहब को जो रोशनी दी है, बैरिस्टर साहब ने वो सच और हक पार्लियामेंट के अंदर भी वही भी पूछ लेते हैं सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 क्या बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, और जो है जो बैरिस्टर साहब करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछते हैं। मैम, जो महिलाओं की जो स्थिति है, मुस्लिम में हो या और कहीं हो, उस पर क्या राय आप रखती हैं, और इक्वालिटी पर आप काम करेंगी तो कैसे करेंगी? सर, मेरा जो इक्वालिटी पे काम करने का मुद्दा है वो आप देख ही रहे होंगे कि अभी तो हमारा यहाँ पे 1 जनवरी 2020 से अभी हम लोग आए ही हैं और लगातार कोशिश जारी है। अगर मैं अपने स्तर से बात करूँ तो मैं पहले से अपना एक एनजीओ चला रही हूँ, जिसमें कि आपने अभी शिक्षा की बात करी, तो हमारा बेसिक वही है कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ही अच्छे रूप में आए। अगर हम अपना बेसिक देखें तो आप देखेंगे कि हम लोग 70 सालों से गुलामी करते करते हम लोग इतने नीचे आ गए कि हमारा अपना कोई मकाम नहीं रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों को उसमें हेल्प मिले,
और क्योंकि हमारे जितने भी ये भाई मेरे यहाँ पर खड़े हैं वो शायद आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत नहीं है कि इतने खर्चे बच्चों के हो गए लड़कियों के पढ़ाइयों के। तो उसमें जितने भी मैं अभी गांव वगैरह में भी जाती रहती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गांवों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे लड़कियों को वो अपने निकालने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि माहौल ऐसा बन गया है। तो उसे लगातार हम अपनी काउंसलिंग से अपने उससे अपनी पार्टी के बैनर तले अपने आप से हम उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड में एश्योर करेंगी एजुकेशन महिलाओं की, गर्ल्स की एजुकेशन आप एश्योर करेंगी, कैसे करेंगी, कोई स्ट्रेटजी? सर बिल्कुल, स्ट्रेटजी तो अभी ये रहेगी कि काउंसलिंग इज़ द प्रोसेस और जब हम चलते हैं तभी एक और एक 11 बनते हैं और कहीं ना कहीं से हम शुरुआत कर चुके हैं, पिछले 8 सालों से लगातार कर रहे हैं। पूरे ज़िले में आप अगर पूछेंगे तो जाना जाता है हमारे लिए कि हम गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं और अभी ज़िले में हैं और इंशाल्लाह फिर वो आगे स्टेट लेवल पर भी हो। आगे भी आप दोनों से हम बात करते रहेंगे समय समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, साफ रखा उत्तराखंड में आने वाले समय में सदस्यता पर अभी काम चल रहा है, आने वाले समय में कुछ सीटों पर चुनाव शायद लड़ सकती है MIM, अभी साफ नहीं किया, जो पार्टी के अध्यक्ष तय करेंगे वो पार्टी यहां पर करेगी। हमने एजुकेशन पर भी इनसे सवाल पूछे, एजुकेशन पर कहा हम काम करेंगे, कांग्रेस का जिक्र भी किया कि 70 साल से गुमराह किया जा रहा था मुसलमानों को लेकिन हम अब एकजुट होकर चलेंगे MIM के साथ, ये भी इन्होंने कहा। बसपा का भी यहां पर जिक्र किया, बसपा ने भी गुमराह किया और भी तमाम पार्टियों का जिक्र किया। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।